सलाम नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम कनेरी के आए हैं, मैं और मेरा दोस्त जीतू, ये जा रहा है हाय करते पे। तो आए हैं, बस दिक्कत ये है कि गोली बहुत देता है, डेट देता है और फिर कैंसिल कर देता है। तो आज ये पकड़ में आया है, तो आज हम कनेरी के आ गए हैं, तो दिखाता हूँ। ये मेन गेट है कनेरी केव्स का। तो अभी आ चुका हूँ कनेरी केव्स के अंदर और मेरा ट्राईपॉड रखा ही है, तो फेस काफ़ी फास्ट होगा। ट्राईपॉड मीन्स गोरिल्ला पॉड। और यहाँ थोड़ी धूप लग रही, गर्मी लग रही, दिखाता हूँ। क्या है अंदर, उठा मेरे को, मैं भी देखूं। सोएगा रात में इसमें, तो देख सकते हैं केव के अंदर क्या है। और ये पूरा केव है जहाँ हम हैं। और भी केव से दिखाता हूँ, ये वाला केव थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। ये केव नंबर 2 है। और ये क्या है, क्या ये क्या है, ये पीछे देख सकते हैं बुद्धा की ऐसे बनी है प्रतिमाएं। और इधर भी है, ये केव नंबर 2 है। देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सब केव्स पे बनाए गए, मस्त लग रहा है ना। कनेरी केव जो 2000 साल पुराने हैं और ये बुद्धिस्ट लोगों का केव रहता था, जहाँ वो अपना स्टडी करते थे, मेडिटेट करते थे और रहते भी थे। अभी मैं और भी अंदर दिखाऊंगा, जहाँ पे मेन है डोम वो दिखाता हूँ मैं। मस्त है ना, ये देख सकते हैं किस संस्कृत में लिखा है या किस में लिखा है, तो ये पता है, पता नहीं किस भाषा में, पर पूरे इस पिलर पे ये लिखा हुआ है। और धूप बहुत है इसलिए हम थोड़ा थक गए हैं, पर पूरे पिलर पे लिखा हुआ है ये, देखिए। और इधर ये, और इधर छोटे छोटे, हम मेन डोम में आ गए हैं जहाँ पे मेडिटेशन वो करते थे। तो मैं दिखाता हूँ, उसके शॉर्ट्स लगाता हूँ, आप देखिए। तो जैसा मैं बता रहा था, कनेरी केव्स ये 2000 साल पुराने हैं और मोस्टली बुद्धिस्ट लोगों के हैं, जो यहाँ पे पढ़ाई करते थे, मेडिटेट करते थे और रहते भी थे। और इसको काफ़ी मेंटेन रखा गया, मैं काफ़ी बार यहाँ पे आ चुका हूँ और काफ़ी बहुत सारे केव्स हैं यहाँ पे। तो ये केव नंबर 2 था। और फिर केव नंबर 2 से यहाँ स्टेप्स ऊपर जाएंगी और केव्स के लिए, तो देखते हैं। तो ऊपर और चल रहे हैं, एकदम ऊपर जाएंगे ना भाई, एकदम ऊपर जाएंगे। तो भाई ये पत्थर है, इस पत्थर पे हम खड़े हुए थे, इस पत्थर के बाद नीचे सिर्फ खाई है। और डेंजरस है, पर चल गया, सब तो ऊपर आ जा रहे हैं। हम जल्दी हटा हुआ
केव्स है, पर दिखाता हूँ सारे केव्स मेरे ख्याल से कुछ लॉक कर रखे हैं, कुछ खुले हैं। ये तो सबसे बड़ा केव है, मतलब बैठने के लिए मस्त है यार। बैठा जाए क्या इधर थोड़ी देर? तगड़ा भाई तगड़ा। हर दीवारों पे ऐसा ही है, छोटा बड़ा बना रखा है, कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। ये केव है, ये भी एक केव है, अब देखते हैं इसका क्या सीन है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैंने दिखाया है इधर, ये पानी का स्टोरेज है, पानी है ना इसमें, पानी इसमें ना बारिश में स्टोर हो जाता है। इसको अभी ये जाली लगा के बंद कर दिया है, पर इसके अंदर पानी है, पानी इसमें स्टोर हो जाता है। हर केव के पास ऐसा बना है पानी स्टोरेज, हर केव के पास। यहाँ बेसिकली उनके बैठने के लिए, आराम करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, कोई बड़ा केव कोई छोटा केव। तो जो जो धूप में आ रहे हैं तो अपने साथ वाटर बॉटल्स तो लेके ही आएँ और जूते स्पोर्ट्स पहन के आएँ, क्योंकि बहुत रफ है और थकना तो आपको है ही। यहाँ खाने पीने को तो मिलेगा, पर अच्छा होगा कि घर से लेके आएँ आप। अभी हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता देखा हूँ कितना उबड़ खाबड़ है। ये देखिए जहाँ पर हम चल रहे हैं कैसा है, थोड़ा भी पाँव फिसला तो सीधे नीचे। देखिए इसलिए बोल रहा हूँ कि स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आने का। और ये इधर एक केव और है, खूबसूरत लग रहा है वैसे तो, बहुत मल्टीपल लेयर्स पर केव बने, नीचे फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। सबसे ऊपर तो हम अभी जा ही नहीं पाए, अभी इधर ऊपर है मेरे ख्याल से, पता नहीं उसके ऊपर भी है कुछ कि नहीं। तो पूरे पहाड़ पर जो है काट काट के रोड़े हैं और केव, और उसके बाद वाटर स्टोरेज ये सब बना रखा है। कितना मतलब टाइम लगाओ, कितना मेहनत। और एक चीज़ मैं और दिखा रहा हूँ, देखिए कोई कोई केव देखा हूँ कि मैं ऐसा लॉक्ड है, जैसे बहुत सारे खुले भी थे तो कुछ कुछ केव ऐसे लॉक भी है। और भी वाटर स्टोरेज देख सकते हैं, ये तो बहुत गहरा है, तो दिख रहे हो बहुत गहरा है ये तो वाटर स्टोरेज। ये सारे इन केव्स के लिए वाटर स्टोरेज है। तो मैं मानसून में आया था पिछली बार, मानसून में जो व्यूज था इतना तगड़ा व्यू था मानसून में, आपको छोटे मोटे रेनफॉल भी दिखेंगे यहाँ पे और एकदम ग्रीनरी, पूरी ग्रीनरी। लेकिन अभी गर्मी में आके भी ऐसा लगा कि गर्मी का व्यू अलग ही है, मतलब अलग ही मस्त व्यू आता है गर्मी में भी यहाँ पे। मेरे ख्याल से तो मस्ट विजिट है, एक बार मानसून में और एक बार गर्मी में भी ज़रूर है। गर्मी में अलग ही मज़ा है, लेकिन बस थोड़ी थकान होगी, और मानसून में तो भाई एक नंबर। एक छोटा सा कैंटीन भी है ये, जहाँ कोल्ड ड्रिंक थोड़ा बहुत कुछ खाने का आप ले सकते हैं। सो हमारा कनेरी केव जो था वो ख़त्म हो गया था, बहुत धूप थी, जल्दी जल्दी हम निकल गए। और एंट्री जो है ये कनेरी केव की एंट्री जो होती है वो होती 25 रुपए की, और मेरे कैमरा का भी चार्जर लिया, छोटे कैमरे का 25 और बड़े कैमरे का 35 रुपए लेगा कनेरी केव में। इसके अलावा जब आप संजय गांधी नेशनल पार्क से एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ आने के लिए आपको नेशनल पार्क से ही आना पड़ेगा, तो नेशनल पार्क से जो एंट्री होगी, और अगर आप अपनी व्हीकल से आते हैं, कार से या अपने स्कूटी से आते हैं, बाइक से आते हैं, तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो नेशनल पार्क घुसने का अलग चार्ज, कनेरी केव का 25 रुपये चार्ज पर पर्सन, और कैमरा का 25 और 35। इसके अलावा ये पड़ता है बोरीवली ईस्ट में, तो आप बोरीवली ईस्ट में आ सकते हैं मैप पे, गूगल मैप पे डाल के। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना और सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं निकलता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।